छत्तीसगढ़ शासन किसान न्याय योजना के अंतर्गत सहकारी सेवा समितियों द्वारा किसानों की धान खरीदी का काम जारी है। किसान अपने धान को लेकर स्थानीय स्तर पर बनाए गए धान खरीदी केंद्रों में पहुंच रहे हैं। बता दें कि कई जगहों पर लंबे समय तक हुई बारिश की वजह से अभी खेत सूखे नहीं है, जिसकी वजह से धान कटाई का कार्य रुका हुआ है। वहीं फसल कटाई कर चुके किसान अपने महीनों की मेहनत को लेकर स्थानीय सेवा सहकारी समिति में पहुंच रहे हैं। दुर्ग के समीप स्थित थनोद के सेवा सहकारी समिति में भी किसान अपनी धान की फसल लेकर खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं। तो वहीं कई किसान अपने लिए टोकन लेने पहुंच रहे थे ताकि शासन निर्धारित समय पर अपनी फसल को बेचने के लिए जो है लेकर आ सके। समिति में 13 किसानों को धान बेचने में हो रही समस्याओं के बारे में समिति प्रबंधन से बात करने पर उन्होंने समिति की व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताया। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सेवा सहकारी समिति थनौद पंजीयन क्रमांक 462 के अंतर्गत कुल कृषक पंजीयक 1394, जिसका रकबा 1562.60, जिसमें खरीदी हो चुका है 2757 कुंटल 20 किलो एवं परिवहन 840, जिसमें शेष परिवहन होना शेष है 1917 कुंटल, और इसमें टोटल खरीदी का राशि 56,65,66,000, और जिसमें वसूली 22,19,000, भुगतान 31,01,000, और भुगतान करना 3,29,000 बाकी है।